ठीक है, लास्ट क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में क्या सीख लिया था हमने? अनीस बताओ क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस? हैं? देख रहे हो, असर्टिव सेंटेंस आपके दो तरीके के हमने पढ़े थे। एक था आपका क्या, अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव। यानी असर्टिव में आपके जितने भी स्टेटमेंट वाइज सेंटेंस होंगे जिसमें आपने कोई सकारात्मक बात कही हो या नकारात्मक बात कही हो, दोनों इसी में आ जाएंगे। तो उसी का हम नरेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक आध एग्जाम्पल भी कर लिए थे विथ थ्योरी। क्या कोई एग्जाम्पल ऐसे बोलूं जैसे, हाँ लास्ट क्लास अब याद आई क्या हुआ था, राम सेट टू मी, हमने ये देखा था कि सेट टू को हम टोल्ड में क्यों चेंज करते हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सेट टू को असर्टिव में हमने क्यों चेंज किया था, ये तो क्लियर है ना, डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, टेल वाली, वो सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी वो ये कि अगर आपका सेंटेंस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ओल्ड स्पीकर, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, न्यू स्पीकर। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आज की ही क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जिसमें ये लिख के नहीं आता है। ऐसा भी तो होता है ना, दे सेड, किससे कहा, क्यों कहा, तो हम रट लेते हैं कि इसकी जगह पे ये हो जाएगा, इसकी जगह पे ये हो जाएगा। देखेंगे ऐसा करते क्यों है। तो जो यहां पे बात को सुन रहा होगा, ठीक है, दो कंडीशन बताई थी, एक यहां पे ये इससे कहता है और यही बंदा जाके किसी तीसरे बंदे से बात बताता है, यही तो हमने थ्योरी पढ़ी थी। और दूसरा हमने सीखा था कि राम सेड टू रीना, राम ने रीना से कहा और तुमने पर्दे के पीछे उसकी बात सुनी और फिर तुम जाकर के किसी चौथे बंदे से अपनी बात कह रहे होते हो, तो उसमें ये आपका न्यू स्पीकर नहीं होता, जो पर्दे के पीछे होता है वही आपका क्या होगा, न्यू स्पीकर होगा। और उसके लिए राम और रीना दोनों क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन की तरीके से बिहेव करेगा कि उसने उससे, अरे यही तो सेंटेंस था, उसने उससे कहा था कि तुम उसकी मदद करो, कुछ यही हमने एग्जाम्पल किए थे, उसने उससे कहा था कि तुम उसकी मदद करो। लेकिन जब यहाँ पे आपका मी लिखा हो जाएगा तो आपका यही बंदा आपका क्या हो जाएगा, न्यू स्पीकर। यानी कि मी वाले सेंटेंस में, यानी कि जब आपसे ही वो बात कही जा रही होगी तो उस कन्वर्सेशन में कितने लोग होते हैं, सिर्फ तीन लोग होते हैं, बात दो की होती है, वही जिससे वो कहता है, दूसरा वाला वो सुन के किसी तीसरे से अपनी बात को बताता है। लेकिन अगर यहाँ पे मी नहीं कोई पर्सन लिखा हुआ है तो आप पर्दे के पीछे से उस बात को सुनेंगे और चौथे आदमी से जाके उसकी चुगली करेंगे। इतनी बातें हम कर चुके थे, ठीक है, एक दो सेंटेंस और आज कर लेंगे थ्योरी वाइज। मैंने थ्योरी में आपको एक ही एग्जांपल कराया था, चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और पढ़ ली थी हमने, क्या, कि अगर ये सेंटेंस ऐसा हो जाए, दे विल से टू मी, यू आर responsible for this loss, कुछ इस तरीके का सेंटेंस आ जाए आपके पास में, तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड तो वैसे का वैसे ही विल से है और आगे क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, से टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, टेल, ठीक है, ये आपका डाई ट्रांसिटिव है, से आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, दे विल से मी, अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ये हटेगा, आपने क्या लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया, आपकी दो क्लॉज तैयार हो गई, ठीक है। अब प्रश्न आता है, हम रूल के अकॉर्डिंग कर लें अगर, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है और यू यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा हुआ है, देन वी यूज क्या, सब्जेक्टिव केस, हम मी की जगह पे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, यही तो हमने रूल पढ़े, उसी को लगा दो। आर आपका क्या है, यहाँ पे कौन सा टेंस है, हैं? अबे मैं टेंस पूछ रहा हूं, तुम टाइम बता रहे हो, फिर वही चीज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाएगा आपका। रीजन, यहां पे आर आपका क्या है, मेन वर्ब के तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है ये आपकी यहां पे, और आपने पढ़ा है दुनिया में कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं बनता, और सेंटेंस से कितनी फाइनाइट होंगी,
एक ही फाइनाइट हो गया, और चूंकि इसमें कोई वर्ब ही नहीं है आर को छोड़ करके, तो आर ही कैसे बन जाएगा, फाइनाइट वर्ब बन जाएगा। इसी तरीके से आपने वाले सेंटेंस सुने थे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वहां पे वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से बिहेव करता है। तो ये सब बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो आर को आप किसमें कर देंगे, वॉज में कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे, आपने क्या पढ़ के आए हो, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ के आ रहे हो ना। कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, याद करो कि अगर अब मैं लिख ही देता हूं एक बार इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस को आपने रट के रखा हुआ है कि दैट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने इसको लिखा, एक कंडीशनल सेंटेंस में एक एरर आपकी गलत हो रही है, क्या कि यहां पे ये क्या है क्लॉज वन, ठीक है, और ये क्या है क्लॉज टू। नाउन जब स्टार्ट किया था तो आपको क्लॉज के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, नहीं तो कंजंक्शन में पढ़ेंगे नहीं, तो इतना याद रखिए क्लॉज वो जिसमें एक सब्जेक्ट और उसकी क्या होगी एक वर्ब होगी। इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो ये दो क्लॉज हो गई। तो आपने पढ़ा था अगर क्लॉज पास्ट में है तो अगली क्लॉज भी किसमें होगी, पास्ट में होगी, ठीक है। आपने पढ़ा है अगर पहली क्लॉज आपकी प्रेजेंट में है तो अगली क्लॉज, सॉरी अगर आपकी पहली, अरे कोई भी, अब वहां पे अब क्लॉज के अंदर ना घुसें कि मेन क्लॉज है कि कौन सी क्लॉज है। तो अगर एक क्लॉज में फ्यूचर लगा हुआ है तो अगली क्लॉज किसमें होगी, है प्रेजेंट में होगी। आपसे मैंने बोला था कि दुनिया में कभी भी दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकती, एग्जाम्पल वही दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, हिंदी में चल जाता है दोनों में फ्यूचर, नहीं कहोगी तो नहीं खाएंगे, लेकिन जिसमें शर्त लगी होगी वो क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनाई जा सकती। कंडीशनल सेंटेंस में हम ये पढ़ के आए, तो अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका वो वाला रूल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बात आप फ्यूचर में कह रहे हो, दूसरी क्लॉज आप किसमें कर दी है, पास्ट में कर दी है। इसीलिए जब कभी भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में लिखी जाएगी तो इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी कुछ भी बदल दीजिए, बाकी इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। बाकी क्यों बदलेगा वो भी आपको पहले से ही पता है, लेकिन एक मैं फिर बता दूंगा, अगर ये विल है तो इसके आपको टेंस नहीं बदलना है, टाइम नहीं बदलना है। आर क्या लिखा हुआ है, आर है तो आई के साथ क्या बन जाता है, एम बन जाएगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि यू भी नहीं बदलेगा और दिस भी नहीं बदलेगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, बस हमें क्या नहीं करना है, टेंस नहीं करना है। अब इमेजिन करिए ये चीज अगर पास्ट में होती तो आप इसको आर को किस में कर देते, वाज में कर देते, तो ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, तो दो क्लॉज तो पास्ट में चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये वाली क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती, जैसे लिखा होता दे से टू मी, अगर प्रेजेंट में होती तो भी आप इसको पास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी पढ़ के आओ, अगर एक क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरी प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में हो सकती है या फ्यूचर में हो, कुछ ऐसा। लेकिन कभी पढ़े हो इधर प्रेजेंट चल रहा हो उधर पास्ट चल रहा हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि सर प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं हो सकता, पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं हो सकता, पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर के साथ प्रेजेंट क्यों होता है? क्लॉज में मैंने भी चीख चीख के पढ़ाया है कि जिसमें कंडीशन लगी होगी वो फ्यूचर में नहीं बन सकता, तुम जब तक नहीं कहोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसमें भी गागी गए दूसरे में भी गागी गए, लेकिन आप फ्यूचर में नहीं बना सकते। एक ही फ्यूचर में बनेगा जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जिसमें कंडीशन लगी है वो आपकी फ्यूचर में नहीं होगी। क्यों होता है ऐसा? फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बन सकता है लेकिन पास्ट के साथ प्रेजेंट का नहीं बन सकता। देखो ना, अगर ये पास्ट में हो जाए तो आप इसको चेंज करके पास्ट में ले आओगे, या अगर ये प्रेजेंट में है तो आप इसको बिना चेंज किए प्रेजेंट में ही रखोगे, पास्ट में नहीं कर सकते। कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता? पढ़े तो तुम हजार बार हो इन बातों को, सोच के रखना, फिर कभी बताऊंगा। अभी बताएंगे, इससे हट जाएंगे ट्रैक से, अपना सोच के रखो फिर। ये ऐसा थोड़ी कि आज ही काम आएगा, नरेशन में हर सेंटेंस में ये इन बातों की मुझे याद आती रहेगी। मैं एक दिन सोच रहा था आपको, वर्ब में मैंने कुछ वर्ब्स नहीं पढ़ाई हैं, मैंने बोला था मुझे लास्ट में याद दिला देना, पर आपने याद नहीं दिलाया, वो छूट गया। खैर, दे विल टेल मी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। अब इसको हम अपनी कहानी के थ्रू बनाओगे तो वही चीज है, दे ने एक टाइम पर मुझसे ये बात कही थी, ठीक है। ये आपका क्या है, पुराना स्पीकर है, और ये आपका क्या है, नया स्पीकर है। क्यों? क्योंकि कन्वर्सेशन तभी बनेगा, कन्वर्सेशन तो बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच तभी आपकी आएगी जब आप क्या करेंगे इस बात को अपने, दे विल से टू मी, ये बात क्यों कही जा रही है, इतनी सी बात बताओ।
इसमें आपका जो नया स्पीकर है वो सामने वाले की बात को एज इट इज बता रहा है, जब आप उसको नरेट करते हो तब आप अपनी सॉरी इस दे की बात को किसी और के दे की बात को किसी चौथे आदमी या तीसरे आदमी को बता रहे होते हो, तो उसमें आप उसके शब्दों का प्रयोग ना करके अपने बिहाफ पे बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये दे था मी, उसने मुझसे कहा, अब ये मैं जो हूँ ये किसी थर्ड पार्टी से जा रहा हूँ बात बताने, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, मान लो किसी लड़के का ही नाम ले लेते हैं, विजय याद आ जाता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ विजय से ये बात बताने कि भाई उन्होंने ये कहा था, तो दे विल टेल मी, उन्होंने, अब देखो टेल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने मुझे बताया था कि, ये की हिंदी हो गई आपकी क्या, दैट कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के, ये तुम है कौन, जब दे ने मी से कहा यानी मुझसे कहा तो ये यू कौन है, यही तो है। तो जब मैं ये बात किसी तीसरे यानी कि विजय से या बात जाके बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यार उसने मुझसे कहा था कि मैं जिम्मेदार हूं उसके नुकसान के लिए, और जब वो सामने खड़ा था तो वो क्या बोलेगा, तुम जिम्मेदार हो इसके लिए, मैं अनीस से कह रहा हूं तुम जिम्मेदार हो अपना फेल होने के लिए, ठीक है। अनीस मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब अनीस जाके विजय से ये बात बोल रहे हैं कि सर ऐसा बोल रहे थे कि क्या मैं जिम्मेदार हूं अपने लॉस के लिए या फेल होने के लिए, जो भी सेंटेंस है। तो यहां पे आपका यू कौन कन्वर्ट कर गया, आई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी आने वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे ये लिखा ही नहीं होगा, फिर भी आपको ये चीजें समझनी होंगी, समझ जाओगे, इतना कुछ खास नहीं है। जब 5-10 बार कहानी को अपने आप बना के करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी सारी बात। और अगर आप अभी भी, फिर मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे सोचते हैं कि हम थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, कुछ अगर ऐसा लिखा हूँ फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो फिर बता दे रहा हूँ 10 सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें इस रूल का वायोलेशन हो जाएगा, वो वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो 10 सेंटेंस आप नहीं कर सकते, बाकी आप 100 में 90 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पे आपको दिक्कत होनी होनी है क्योंकि हर जगह ये रूल नहीं इस्तेमाल होंगे, लेकिन अभी वो मैं सेंटेंस करा नहीं रहा हूँ, पहले छोटे छोटे देख लो धीरे धीरे। ठीक है, एक ये था हमारा फ्यूचर का, दूसरा होता है क्या, हाथ इतने ठंडे हैं मेरे कि चल नहीं रहे, ठीक है। तो जब इसको आप चेंज करने आओगे, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना आप बचपन से ही पढ़ के आए हो, उम्मीद करते हैं पता होगा। तो सेट टू किस में गया, टोल्ड में गया, ठीक है। आगे टू नहीं लगेगा, सबको पता है क्यों नहीं लगेगा। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह कंजंक्शन शेप दिया क्या, दैट, ठीक है। अब अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपका पास्ट में है, तो ये एस और यस लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अर्थ मूव्ड कर दिया तो इसका मतलब है घटना क्या हो गई, पास्ट में हो गई, अर्थ अब सूरज के चक्कर नहीं लगाती है, पहले लगाती थी अब नहीं लगाती। तो याद करिए, मैंने आपको कभी ना कभी ये पढ़ाया होगा कि जो आपके यूनिवर्स, इसी को तो पढ़ते हो ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं, मैंने किस चैप्टर में पढ़ाया मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद नहीं पढ़ाया तो शायद अब सुन लो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, जनरल फैक्ट्स भी होते हैं जो आपको पता नहीं चलते लेकिन वो होते हैं, जिनको आप नरेट करते टाइम इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम नहीं बदल सकते, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में हो या ना हो, ठीक है। जैसे आपका अर्थ मूव्स राउंड द सन हो गया, हनी इज स्वीट, तो आप इसको, माँ ने बच्चे से कहा शहद मीठा होता है, तो आप उसको नीचे क्या लिख सकते हैं, हनी वॉज स्वीट, शहद मीठा था, पानी गीला था, धूप गर्म थी, ठीक है। आप इसको टेंस में नहीं बदल सकते, इसका टाइम नहीं बदल सकते, क्योंकि ये क्या है आपके, आपको मैंने एक बात पढ़ाई थी, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी भी कोई चीज
नहीं होती। ये सारा का सारा ओरिजिन कहाँ से है? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, रूटीन एक्शन। दुनिया में हर वो चीज़ जो रूटीन में होती हो, वो सारा का सारा आप टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आपका किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। पृथ्वी का सूरज के चक्कर लगाना उसका रूटीन है, सूरज का पूरब से निकलना उसका रूटीन है, वो कभी छुट्टी नहीं लेता। आग जलाती है, पानी गीला करता है, धूप गर्म होती है, शहद मीठा होता है, ये उसका क्या है? रूटीन है। ठीक है, अब याद करिए, एक टीवी पे ऐड आता है इंपीरियल ब्लू का। इंपीरियल ब्लू तो समझते होगे, क्यों अनीस, क्या होती है? इसमें भी मुस्कुरा रहे हो, इंपीरियल ब्लू भी नहीं पता, अंग्रेजी भी नहीं पता, जा किस रस्ते रहे हो? अरे जीवन में कुछ तो करो। खाकी मूवी देखे हो? चलो रहन दो, मैंने कुछ कहना ही नहीं, कितनी गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ मैं, राइटिंग देख रहे हो कितनी खराब आ रही। खैर छोड़िए, तुमसे ना हो पाएगा, कैसे चलेगा काम जीवन में, तुमसे क्या ये सब एक जैसे बैठे हुए हूँ, कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों दुनिया में आ गए। नहीं, एक बच्चा होता ना जिसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन फिर वो अपने पढ़ाई में कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप कह सकते हैं हाँ सर नॉलेज है मुझे ठीक ठाक, भले पिक्चरें हों, गाने हों, कविताएं हों, किसी पूरे मोहल्ले की लड़कियों के एड्रेस हों, कुछ तो पता होगा, जीवन भर चाय की दुकानें पर खड़े रहे तो कौन, कितने गलिम कुत्ते हैं, कितनी बार कौन भौंकता है ये भी पता है, और तुम सामने पड़ जाते हो इसलिए मैं तुम्हें ही देखता हूँ। कहता मैं सभी को हूँ, सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जीवन में किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट हो, अगर कुछ नहीं है तो बेटा आपका सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, कि सर कुछ नहीं किया जीवन में, पढ़ाई की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हमसे कोई कह देता है गाना सुना दो, नाच के दिखा दो, आता ही पढ़वा लो, एक ही चीज़ आती है, किसी को भी समझाना हो, जब कहीं बहुत बड़ी समस्या होती समझाने की, मुझे याद किया जाता है, मैं भी 15 मिनट उसको देखता हूँ फिर समझा देता हूँ, समझाना आता है। तो कोई चीज तो आपको भी आती होगी। मैं कहाँ था, ये बात ट्रैक से हट गया, मैं कहाँ था, मैं हाँ यूनिवर्सल टू इंपीरियल ब्लू। इंपीरियल ब्लू के ऐड में आप देखते होंगे एक लिफ्ट आती है, ठीक है, बूढ़ी माता आ रही होती है तो वो बंदा बंद कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें लड़की आ रही होती है तो वो फिर पता नहीं कुछ ऐसे ही ऐड है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं। देखे हो कि नहीं देखे हो? पहले बताओ देखे हो कि, तो मेरी बात को रिलेट कर पाओगे, तुम देखे हो, अनीस को पहले देख लेने दो यार, अनीस भाई ने वहाँ देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, वैभव तुम्हारा काम है डाउनलोड करके भेजना इंपीरियल ब्लू के ऐड, आज तुम देखना। उसमें एक लाइन लास्ट में लिख के आती है, मैन विल बी मैन, ठीक है उसमें। अरे यार एक मुझे बहुत अच्छा सा ऐड आया, दो दोस्त बात करते चले जा रहे होते हैं, एक अपनी वाइफ से हूं हूं करता जा रहा होता है, याद आया कोई ऐड? वो कुछ बोल रही होती बस वो हाँ हाँ बोल रहा होता है, तो देखता है उसके जूते की डोरी खुली है, तो वो अपना फोन अपने दोस्त को पकड़ा देता है और डोरी बांधने लगता है, तो वो भी उसके लिए हूँ हूँ। फिर ऐड आता है नीचे, मैन विल बी मैन। कहना क्या चाहता हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है बेटा, ये क्या है आपके जनरल फैक्ट्स हैं। जनरल फैक्ट्स को भी नरेट करते टाइम टाइम मत बदलिएगा। मैं पूरे नरेशन में इसको नहीं पढ़ाऊंगा, आज बात आ गई है तो आज उसी को क्लियर कर देते हैं, कोई हेडिंग नहीं कुछ नहीं कि जनरल फैक्ट्स कौन कौन होते हैं। जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं, अभी मैं दो चार एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन जनरल फैक्ट्स वो हैं जिसको आप टाइम में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैन विल बी मैन, पेपर में आया राम सेक्टूरीना मैन विल बी मैन, अर्थ मूस राउंड असल तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन मैन विल बी मैन नहीं पता है। आप क्या करेंगे, राम टोल्ड रीना दैट मैन वुड बी मैन, जल्दबाजी में विल का क्या कर गए थे, वुड कर बैठे, तो ये गलत हो जाएगा कि आप कह रहे हैं आदमी आदमी होते थे, अब वो कुत्ते हो चुके हैं, उससे भी बदतर। आप क्या कहना चाहते हैं, जनरल फैक्ट्स बेटा वो होता है जो बोलने वाला, एक लाइन में समझ लीजिएगा, जो बोलता है वो इसको मान लेता है कि ये सारी दुनिया में इंप्लीमेंट होगा। जो बोलता है वो सारी दुनिया में मान लेता है इसको कि इंप्लीमेंट होगा। जैसे बैक बेंचर्स की एक बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है, कहते ना आगे वालों से पीछे वाले ज्यादा काबिल होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन होते हैं क्या? हमारी क्लास में तो आगे पीछे सब बराबर है, ठीक है, एक ही आईक्यू लेवल है सबका, लेकिन जब आप एकेडमिक में थे तो लड़कियां आगे बैठती थी ना एकदम साफ सुथरी, कॉपी वॉपी नाखून नाखून कटे, टीचर चेक कर रहा है तुम पीछे चबाए पड़े हो, ठीक है, उसी का नतीजा, पीछे बैठने क्या, टीचर जूते चेक करने आया सफेद, तुम चौक लेके घिस रहे हो,
ठीक है, आज पीटी वाले टीचर आके नाखून कट रहे हैं, दांत से ही, कटर कभी हमने यूज ही नहीं किया, इसीलिए लड़कियां आगे बैठती थी, कम से कम नीट एंड क्लीन में इसमें तो उनको नंबर मिल जाते थे, हम लोग तो उसके भी पीछे थे। खैर छोड़ो, अच्छा सच बताओ कितने लोगों ने सफेद वाले जूते चौक से घिसे हैं, किए हो कभी ये काम? स्कूल ही नहीं गए कहते, व्हाइट नहीं होता था कहीं पर भी? अरे यार वेडनेसडे को हम लोग को बुलाया जाता था व्हाइट कपड़ों में, दो तरीके ड्रेस होती थी, स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा जब तक माँ बाप दो चार कपड़े ना खरीद के रखें। हाँ गाँव में ना होता हो, चलो खैर छोड़िए, तो जनरल फैक्ट्स का भी आप समय नहीं बदल सकते। मैं दो तीन और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक बैक बेंचर्स हो गया, एक हाँ आपने फेमिनिस्ट सुनी होंगी बहुत सारी, ऑल मैन आर बास्टर्ड्स, ठीक है, कभी आप स्पीच देखिए जो फेमिनिस्ट होती है, एक लड़की बैठी आज तो एक ही है, तो उनका अक्सर होता है कहने के लिए ऑल मैन आर बास्टर्ड्स, ठीक है, और फिर कह सकते हैं ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, उसी पैराग्राफ में उसी में नीचे बोल नहीं होती, ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, बोलते हुए सोचते नहीं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बीच की गणित, जो आदमी गणित जानता है वो बीच की सारी लाइन मिटा देगा, ऊपर और नीचे की लाइन बची है, अब तुम समझ लो तुम खुद को क्या कह रही हो। तो कोई महिला जो औरतों पुरुषों से नफरत करती हो, कह रही ऑल मैन आर बास्टर्ड्स, ठीक है, आप इसका टेंस नहीं बदल सकते, ये जनरल फैक्ट्स हैं, हालांकि उसके भी पिता हैं भाई हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोल रहे क्या जा रहा। तो आप इस इन सब चीजों का भी टेंस में, सॉरी नरेट करते टाइम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इवन दो जो आपने बचपन से रट रखा है यूनिवर्सल फैक्ट, और फिर वही बात है यूनिवर्सल फैक्ट जैसी कोई चीज नहीं, सारा का सारा क्या है आपका रूटीन एक्शन, ठीक है, कोई महिला ये कह रही है ऑल मैन आर बास्टर्ड्स तो वो क्यों कह रही है, उसके पीछे भी है मजाक का एक अलग नजरिया हो गया, लेकिन वो तभी कह रही है जब वो बचपन से लेके अब तक सारे आदमियों को ऐसा ही पा रही है, हो सकता है मान लो उसका फैमिली भी अच्छा ना हो, उसके पिताजी भी पी पा के डेली कूट रहे हो, जरूरी थोड़े ही है, तो वो जब तक सब कुछ ऐसा देख रही है तभी वो ऐसा बोल रही है, उसने आदमियों को ऐसा करते हुए ही देखा है। मान लो किसी लड़के को, वो मूवी देखी है उसमें अक्षय कुमार अपनी शर्ट उतारता नीचे पटकता कहना मुझे प्यार करना ही नहीं, दीवाने हुए पागल, देखे हो? ये भी नहीं देखा तुमने, क्या किया है जीवन में। खैर चलो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो किसी पुरुष को महिलाओं से नफरत है, एक और एग्जाम्पल देखो, यहां कुत्तों और महिलाओं का आना मना है, मूवी नाम बताओ, हंगामा या हंगामा नहीं हलचल, हलचल देखिए, उसमें ओम क्या नाम है अमरीश पुरी क्यों ऐसा बन जाता है कि अपने लड़कों की शादी नहीं करने देता, क्यों? जिस दिन उसका बड़ा लड़का शादी करने के लिए जाता है उसी दिन उसकी माँ को लड़की वाले गोली मार देते हैं, और फिर वही अंगारचंद नाम था उसमें, अंगारचंद लड़की वाले बाप को मार देते हैं और बाप चला जाता है जेल, तो लड़कों को भी नफरत हो जाती है, दो नीचे वाले छोड़ दो ऊपर वालों को, कि हमें शादी करनी ही नहीं इस जीवन में, क्यों? उन्हें औरत जात से नफरत होगी, तो क्या सारी औरतें ऐसी हैं? लेकिन अमरीश पुरी और उसमें बड़ा लड़का क्या नाम था, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी और जैकी श्रॉफ का कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि वो शादी करने के लिए गया था तो उसकी माँ मर गई, इसलिए उसको नफरत है शादी से, और अमरीश पुरी की बीवी मर गई और वो जेल चला गया, तो ये उनका जनरल फैक्ट्स है कि वो सारी दुनिया की महिलाओं को क्या मानते हैं, मतलब क्या मानते हैं, गलत लाइन हो गया, सारी दुनिया की महिलाओं से नफरत करते हैं, ठीक है, आप इसका टेंस नहीं बदल सकते, क्योंकि जनरल फैक्ट्स की डेफिनेशन ही यही है कि जो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी नजर में ये सारी चीजें पूरी दुनिया पे लागू होती हैं, होती है नहीं होती डजंट मैटर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है ये सारी दुनिया पे लागू होती है, कि तुम्हारे लिए पृथ्वी नहीं घूम रही है, घूम रही ना, ऐसे ही जनरल फैक्ट्स वो स्टेटमेंट है जो बोलने वाला ये समझता है कि सारी दुनिया पे लागू होगी, मैन विल बी मैन सारी दुनिया पे लागू है, मैं नफरत करता हूं सारे लड़कों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं मतलब मुझे आप सबसे नफरत हो गई क्योंकि मैं पढ़ा पढ़ा के एकदम पागल हो गया हूं आप लोगों को, आपको कुछ नहीं आ रहा, तो फिर मैं सारे स्टूडेंट से ही नफरत करने लगा कि सारे बेकार होते हैं, तो ये मेरा मानना है बेटा, सारे थोड़े ही होते हैं, लेकिन नरेशन में इसका टाइम नहीं बदलेगा, ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो इक्का दुक्का सेंटेंस मिलेंगे, मेरा मेन मोटो यही था, जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं, बोलने वाले की स्टेटमेंट में अगर वो ये मान रहा है कि ये सारी दुनिया पे लागू होता है तो वो जनरल फैक्ट्स है, और जनरल फैक्ट्स अगर
जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन को आप मूव्ड नहीं कर सकते, वैसे ही जनरल फैक्ट्स को आप नरेशन में कन्वर्ट मतलब सेकंड पास्ट में चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज छाप देना है आपको, अर्थ मूव्स राउंड द सन उसमें आपको एज इट इज कर देना है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती इतना मैं मानता हूँ, जनरल फैक्ट्स में आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा नाक कान खुला रखिए, चीज़ों को समझ के चलिए। और किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात, कोई जनरल फैक्ट्स को कोई एग्जांपल दे सके आप अपनी तरफ से बताइए, तो बहुत होते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं कोई ऐसी चीज, जनरल फैक्ट्स हैं। मैन इज मॉर्टल, ये जनरल फैक्ट्स है। अभी मुझे एक आदमी दिखा दो जो अमर हो, बताए ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा, आदमी नश्वर है, कई भड़क जाते हैं, औरतें क्या अमर हैं? ठीक है, आपको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था, जब आदमी की बात होगी तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा, लेकिन जब आदमी की बात ना होकर पूरी मानव जाति की बात होगी तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। तो जब मैन वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है, लेकिन यहां पे मैन के साथ आर्टिकल नहीं आया है, इसका मतलब ये आदमी की बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है? पूरे मानव जाति की, उसमें आदमी औरत बच्चे सब इंक्लूड हैं। ठीक है, ये मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया होगा, रिवाइज करा दिया, आगे बढ़ते हैं। तो जनरल फैक्ट क्लियर हो गया, ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया कि जो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो रूटीन हैबिट्स हैं, वो कभी भी टेंस में चेंज नहीं होंगे, इसका टेंस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इसको चेंज हमें नहीं करना, इतनी बातें भी आपने सीख ली। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े खतरनाक सेंटेंस। एक दिमाग में बात आई है, उसी को निपटा लेते हैं। ठीक है, राम सेड टू मी यू आर ट्राइंग टू मेक इट वर्स फॉर मी। तो भैया राम हो गए, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में हो गया, मी हो गया और दैट हो गया, इसमें किसी भाई बंधु को तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब जब भी आप नरेशन बनाते हैं, ये आपकी क्या है, क्लॉज वन है, ठीक है, और दैट के बाद दैट क्या है, कंजंक्शन। ये क्यों बता रहे हैं, जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कंजंक्शन का बेसिक काम और भी होते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो जानते हैं कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, इसी अब यहां नहीं बोलते दैट हो गया। अब हम दूसरी क्लॉज को चेपेंगे, तो यू आपका क्या है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग। आर क्या है, अरे यार एक चलो अभी याद रखना, चलो याद रखूंगा मैं ही। आर क्या है, प्रेजेंट में है, तो पास्ट बन लोगे क्या होगा, आई वॉज हो जाएगा, ट्राइंग टू मेक इट किस में चेंज होता है, कह दो इट तो कभी देखा नहीं, इट भी प्रनाउन है, इतना तो पढ़ के आई हो बेटा, ध्यान से सुनना, इट भी प्रनाउन है और आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, प्रनाउन में ही तो हो रहे हैं, यू को आई बना दिया, इसको इसको बना दिया, तो इट किस में चेंज होगा, किस में, तुम तो यार कहर ढा देते हो, अभी तक हम यही बात तो पढ़ा रहे हैं, प्रनाउन जब बदलता है तो जिसका भी प्रनाउन होगा वैसे ही यूज होगा, यू सब्जेक्टिव केस है तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यू अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो हम उसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करके, इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तुम उसकी वही चेंज करे दे रहे हो, इट की जगह पे हम इट्स कर दें, इट आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इट्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, वो प्रनाउन है ही नहीं, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और चेंजेस किसमें होने हैं, खैर छोड़ो, तुम पे ऐसे थोड़े ही भड़क जाते हैं हम, मानसिक स्थिति हमें लग रहा हमारी ठीक नहीं है, तुम्हारी तो ठीक है, प्रभु इट किसमें चेंज होता है, हैं? क्या है रीजन बताओ, नहीं चेंज होता तो रीजन बताओ,
छोड़ो सारी बातें, इट अगर नहीं चेंज होता है तो क्यों नहीं होता, और होता है तो किस में होता है? इट क्या है आपका? प्रनाउन में थर्ड पर्सन है। वो देखो मना कर रहा, अरे भैया फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन है तो नहीं चेंज होगा, लेकिन जब आप किताब में पढ़ रहे होंगे तो लिखा होगा इट चेंज हो जाता है दैट में। मेरा यही सवाल है, अगर घर से पन्ना पलट के आए होते तो तुम्हें मेरी बातें रिलेवेंट लग रही होती कि सर आप, मैं बोलता है इट क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता, तो इट चेंज नहीं होगा। तपाक से दो तीन हाथ खड़े हो जाते हैं, सर मैं तो कल पढ़ के आया हूँ, इट दैट में चेंज होता है। अब बताइए, उस क्लास में मज़ा आता है, यहाँ थोड़ा बताने वाला भी मैं, पूछने वाला भी मैं, उसको एक्सप्लेन करने वाला भी मैं। आप बस आए हैं, अभी हवन शुरू हुआ है, कथा होगी बाकायदा, उसमें भी ये नहीं कथा में आदमी श्रद्धा से हाथ जोड़ के ध्यान से सुनता है, वहू नहीं कर रहे हो। बताओ कि सर कभी पढ़वे नहीं कि इट दैट में चेंज होता है। इट आपका दैट में चेंज नहीं होगा तब तक जब तक आपसे कोई करवाना ना चाहे। कभी भी इट को दैट में चेंज मत कर दीजिएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर अपने ऊपर तुल गया कि हमें करवाना ही करवाना है तो वो आपसे करवा लेगा। पूछो कैसे? वो ऐसे क्योंकि वो आपको देगा चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में बड़ी बड़ी गलतियां दे देगा, और चौथा एक ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें इट दैट में कन्वर्ट हो रखा होगा और बाकी सब सही होगा, तो आपको मजबूरी हो जाती है उस सेंटेंस को सही करने की, लेकिन इट दैट में चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ने के बाद जब आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो उसमें चार ऑप्शन होंगे। कभी भी नरेशन ऑफ वॉइस करिए तो हमेशा एलिमिनेशन रूल से ही करिएगा, पहले तीन मेजर गलत सेंटेंस छांटिए फिर जो बचा वो सही, क्योंकि नरेशन एग्जामिनर बोल तो रहा हूँ ऐसे ही करेगा। इट आप पढ़ेंगे, इट मैं भी पढ़ाऊंगा, इट चेंज नहीं होता, लेकिन आप जब पेपर में सही करके आएंगे उसमें इट का उन्होंने दैट कर रखा होता है, तुम्हारा सर खुजला रहा होगा, गुरुदेव तो कहे थे इट दैट में चेंज नहीं होता, नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर का मूड था वो उसने कर रखा है। लेकिन उसके लिए आपको तीन ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें कुछ और गलतियां होंगी, ध्यान रखना इन सब बातों का, जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे इन सब बातों को। तो हो गया टू मेक इट वर्स फॉर मी। मी कौन है? मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है आपका? राम, यानी कि लड़का है, तो मी कौन सा केस है? अनीस, ऑब्जेक्टिव केस है, तो लड़के का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिस। क्यों देख रहे हो? यस सर। अभी बेटा पहले जाके पुराने वीडियो पढ़ो बेटा, फिर वही कह रहे हैं, जिन्होंने पुराना कुछ नहीं आता यहीं से क्लास छोड़ दीजिए, ये इंग्लिश है, गणित नहीं, इतिहास नहीं, कि जहां से हमने कंफ्यूज कर, मतलब इसमें भी दोष हमारा, ये तो एकदम रवि किशन वाली बात हो गई, हर चीज में दोस्त कांग्रेस का। और जो न्यूज सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, है इसमें भी हमारा कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटे, हम क्या बोलें, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग हो गया, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या? राम हो गया, ये मी हो गया, यानी मी मतलब मैं ही हूं। ठीक है, तो राम ने मुझसे कहा, यानी कि ये पुराना स्पीकर है। ठीक है, और ये कौन है हमारा? नया स्पीकर है जो इस बात को किसी और के सामने, मान लो फिर वही विजय के सामने जाके बता रहा है। कैसे बता रहा है? भाई राम ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? जब मैं राम के सामने खड़ा था, यहां पे जब राम बोल रहा था तो मैं कौन हूं? लिसनर हूं। ध्यान सुनिएगा, लिसनर ही, अभी आगे हम आगे लाइन पढ़ेंगे, जब लिसनर ही आपका नया स्पीकर बन जाए, लिसनर ही जब आपका नया स्पीकर बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो लिसनर था तो यू कौन था? वो लिसनर ही तो था, लेकिन अब वही लिसनर नया स्पीकर बन बैठा है तो वो यू कौन है? वो खुद है, और खुद है तो खुद के लिए क्या लगाओगे? आई लगाओगे। ये रूल कहां से बना? इसी जगहों से बना, लेकिन फिर वही बात कह दो, सर थ्योरी में टाइम ज्यादा लग रहा है, रूल में कम लग रहा है, लेकिन फिर वही बात, रूल 100 में 70 जगह लगेगा, 30 जगह नहीं लगेगा, थ्योरी आपकी 100 में 100 जगह लगेगी, थ्योरी में टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा क्योंकि आपकी आदत नहीं है। नहीं, पॉजिटिव नहीं,
कैसे कॉजिटिव हो गया? अरे बेटा क्यों नरेशन से मुझे भटका के कॉजिटिव की ओर ले जा रहे हो, अभी रहने दो। कॉजिटिव भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया ना, डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन चलो कभी किसी दिन मैं कॉजिटिव अकेले एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डिटेल में मतलब किसी वर्ब के अंदर ही मैंने वो बेयर इन्फिनिटिव में ही शायद डाल दिया था उसको। कॉजिटिव के लिए एक अलग से क्लास कर देंगे 1 घंटे की, ये तुम्हारा काम है, याद रख, याद दिला देना मुझे। तो प्रभु हम कहाँ थे आपका, जब नया समझ गया ना, बीच में तुमने थ्योरी से मुझे हटा दिया। आपका जो नया स्पीकर ही, सॉरी हाँ, आपका जो लिसनर ही है वही क्या बन बैठा है, नया स्पीकर बन बैठा है। तो जो अभी सुनते टाइम खुद से तुम था, तुम पागल हो, सुन कौन रहा है, तुम ही हो, ठीक है, और मैं तुम ही को कह रहा हूँ। अब तुम ये बात जाके बोल रहे हो वैभव को, तो क्या बोलोगे, सर बोल रहे थे कि तुम पागल हो, है ना, नहीं तो ये तो बात होगी कि बस इस कान से निकला उस दूसरे मार दिया, ठीक है। तुम वैभव से ये थोड़ी बोले कि सर बोल रहे थे तुम पागल हो, सर बोल रहे थे कि मैं पागल हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, यू कौन बन गया, आई। अब ये जो मी था यहाँ पे, मी तो कौन है, सीधी सी बात है, आपको क्या चेक करने की जरूरत है, मी कौन होता है, स्पीकर। और इस क्लॉज का स्पीकर कौन है, राम। राम ने ही तो कहा था उससे कि तुम मेरे लिए ये काम मुसीबत बढ़ा रहे हो, कुछ भी ऐसा सेंस, तो मी कौन है, राम। अब राम कौन है, लड़का। तो आपने क्या कर दिया, नहीं अभी यही राम की जगह बेटा क्या होता, दे, तो ये प्लूरल हो जाता, हम क्या कर देते, देम। राम की जगह पे बेटा यहाँ पे लिख देते हम क्या, चाइल्ड। अभी देखिएगा बहुत सारी चीजें, चलो चाइल्ड वाला भी समझा देते हैं, आइए चाइल्ड को भी समझा देते हैं। राम की जगह पे लिख दें क्या, चाइल्ड, तब क्या होगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन भावनाएं को समझ लेते हैं। एक बच्चा मुझसे कह रहा कि तुमने ये बच्चे के हिसाब से तो ज्यादा भारी सेंटेंस है, लेकिन चलो मान लेते हैं, ठीक है, चलो मैं बदल दे रहा हूं, बाकी नरेशन है तो कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन है तो रेलिवेंट होनी चाहिए। अ चाइल्ड देखो खेल बदल रहा हूं, बच्चे ने तुमसे कहा, मी हट रहा है, ठीक है, सेंटेंस बदल दे रहा हूं, अभी यू रहने दो, यू वाली बातें बाद में कर लेंगे। चाइल्ड सेड टू हिज मदर, बच्चे ने अपनी मदर के साथ में हिज लग जाएगा, जो कि उसका जेंडर दिखा देगा, तो मैं वो भी नहीं दिखा, क्या करूं, अरे पता नहीं आज को मैं कैसे लगाए लगाए सो गया, देखो क्या हाल हुआ, पूरा टूट गया यहां से, ये यहाँ से टूटा, मैं उसी के ऊपर सो गया, लगा गाने सुनते सुनते दोनों तरफ से टूट गया, बस जब से चल रहा है। खैर अगर मैंने हिज लगा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ और बनाते हैं। चाइल्ड सेट टू अमेन, मैं सोच रहा हूँ दो चीजें एक ही एग्जाम्पल में अरेंज हो जाए तो दोनों इकट्ठे समझा दूं, अलग अलग ही बनाता हूं। छोटा सा सेंटेंस बनाया है, एक मैं लिख लूं कहीं कोने में वो बात, ताकि मुझे याद रहे, मुझे भी मैं तो भूल जाएंगे तो रह जाएगा। चाइल्ड सेड टू अ मैन यू हैव टू, ना 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 मजा नहीं आया, ना ना, ना, ना। चलो ठीक है, देखते हैं बनेगा तो देखा जाएगा। चाइल्ड टोल्ड, अब ये बच्चा कॉमन नाउन है तो आ या दा भी लगा होगा इसके साथ में, टोल्ड अ मैन दैट, यू कौन होगा, ये आदमी, आदमी है तो भैया ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। फिर हैव टू है प्रेजेंट में, किसमें पटकोगे हैं, पास्ट में, यू हैड टू, ठीक है, हेल्प का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते,
मी कौन है, ये बच्चा, अब क्या लगाएं, बस इसीलिए समझाना था। मी किसके अकॉर्डिंग, अभी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कर लेंगे लेकिन अभी ग्रामर के अकॉर्डिंग कर लो, क्या लगा दें? इतना क्या सोच रहे हो तुम, आंखें बड़ी कर करके, किसे लग रहा है कि सीधे भी समुद्र मंथन से अमृत कलश बाहर आएगा, मैं ही पीऊंगा, ऐसा क्या पूछ लिए प्रभु? मी जगह का लगा दें, हिम लगा दें, और कोई हमारे बीच में जो कुछ और लगाना चाहे, इट, दोनों से रीजन चाहूंगा, जिसने हिम बोला जिसने इट बोला, तो पहले इट वाले भैया क्यों? चाइल्ड को नॉन लिविंग बीइंग मानते हो? अरे उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने बाद जन्म दिया उसको, ये नॉन, किसी माँ के सामने बोल भी मत देना, थोड़ी देर बाद तुम नॉन लिविंग बीइंग में दिखाई दे रहे होगे, फैले पड़े निपट गए, गजब के लॉजिक हैं, मतलब एक कुछ तो बताना ही, तो बता दो कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, गजब आदमी हो यार तुम लोग, तुम बताओ भैया हिम क्यों लगेगा? क्या एक तो यार स्पष्ट शब्दों में बोलो, हिंदी में अपनी मातृभाषा, चाइल्ड ही होगा या सी होगा, क्यों थर्ड नहीं हो सकता? जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कोई एक आंसर दे दे जिससे मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये मेरे साथ 6 महीने से जुड़ा हुआ है, कोई एक आंसर। वैभव ये और हिम सही लग रहा सर, वो तो मम्मी जब 4 तरीके की आइसक्रीम का फ्लेवर रखती है मैं एक बार चाट के देख लेता हूँ, जो सही लग रहा होता है वही खा लेता हूँ। अरबी भाषा हर भी हो सकता है, चलो एक भाई ने हर बताया, बेटा देखो दोनों लग सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी ग्राउंड है, हिम भी है इट भी है। अब ध्यान से सुनिए क्यों है कैसे है, जबकि जब मैंने आपको प्रेफरेंसेस पढ़ाई थी प्रोनाउन में तो शिद्दत से बताया था, पहली चीज ही, पैर हिलाना बंद करो, तुम इस कह रहे हैं हाँ, आधा दिमाग तो ये करने में लगा है, बस समझ रहे हो, तो कहां से चीजें काम आएंगी, ध्यान से सुनिए, ही भी सॉरी मतलब लड़के के लिए आप हिम भी यूज कर सकते हो, इट भी यूज कर सकते हो, उसके पीछे थ्योरी है। क्या थ्योरी है ये, क्यों कह रहा हूं, आप जब 4 सेंटेंस आते हैं ना पेपर के अंदर तो आपको यही नहीं समझ, एक में पूरे सेम टू सेम सेंटेंस होगा, एक में हिम होगा और एक में इट हो सकता है, वही आप गलती कर बैठते हो। देखिए ध्यान से, आपको मैंने पढ़ाया था प्रेफरेंसेस, सबसे पहले प्रेफरेंसेस किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को, फिर हम किसको देते हैं, इट को देते हैं, फिर हम किसको देते हैं, फेमिनिन जेंडर को देते हैं, ठीक है, वहां पे लड़कियों को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं कि हमारी प्रेफरेंस नीचे क्यों, और इसका पुरुष प्रधान समाज से कौनो लेना देना नहीं है, वो इसलिए मैस्कुलिन जेंडर जो है वो हर लैंग्वेज में फेमिनिन के लिए भी यूज हो जाता है, या इसको हम ऐसे बोल दें मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन को कवर कर सकता है। कई बार मैंने एग्जांपल में दिया कि लड़के को लड़का ही कहेंगे या बेटा कहेंगे, लेकिन लड़की को भी आप बेटा बोल सकते हैं, लेकिन किसी लड़के को एक बार बोलो बेटी इधर आओ, लड़का लड़की के कपड़े पहन के आ जाए क्लास के अंदर फिर देखो, लेकिन लड़की अगर लड़के के क्लास कपड़े पहन के आ जाए ये तो सर फिर भी हम देखेंगे, हम तो देखने के लिए ही जन्मे हैं, बात समझ रहे हैं, लड़का लड़की के कपड़े नहीं पहन सकता लेकिन लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लड़की को आप लड़के की तरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप लड़के को लड़की की तरह तैयार कर दें तो मजाक बन जाएगा, क्यों है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन को कवर कर देता है। आपके यहां बर्थडे पे 4 दोस्त आ रहे हैं जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो मम्मी से बोलो कि मम्मी 4 लोगों का खाना बनाना, मेरे 4 फ्रेंड आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, और उसी टाइम चारों के चारों लड़कियां आ जाएं, पिताजी बेंत निकाल के सूद दे, सुबह से उल्लू बना रहा, आ रही है ये तो सूद देंगे, और फिर वही बात अगले बर्थडे में तुम पिताजी से कह दो पापा मेरे 4 फ्रेंड आ रही हैं, अभी जितना मार लो, सामने बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, ठीक है, और देखा तो 4 लड़के आ रहे हैं,
तो पापा ने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, हो सकता है देखने में लड़के हों, हरकतें लड़कियों वाली हों। क्यों आपने क्या कहा? आ रही हैं, तो आ रही हैं चारों लड़कों को कवर नहीं कर पाया, लेकिन आ रहे हैं दो लड़कियों को कवर कर गया, कर गया कि नहीं कर गया? तो मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन को कवर कर सकता है, इसलिए आप वहां पे क्या लगाएं? जब आपको जेंडर नहीं पता, चाइल्ड है, लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, ठीक है, आपको जेंडर नहीं पता तो आप ही का यूज कर सकते हो उसके ऑब्जेक्टिव केस में, हिम पजेसिव एडजेक्टिव केस में हिज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों को कवर कर जाएगा। लेकिन प्रश्न यहां पे ये है कि यहां पे इट क्यों सही है, अब उस पे बात कर लेते हैं। यहां पे इट इसलिए सही है, एक बात बताइए, आप किसी के घर में जन्म होता है, आप जाते हैं पहली बार बच्चे को गोद में उठाते हैं, 100 रुपए रख देते हैं, कभी इच्छा होती है लड़का एक लड़की ना? एक तो देखे पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है, मुंह सबके एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। क्या जेंडर स्पेसिफिक होना पड़ता है? हम जेंडर स्पेसिफिक क्यों होते हैं? जब एक लड़की को किसी महिला डॉक्टर को दिखाना होता है, गायनो को, तो हमें जेंडर स्पेसिफिक होना है, ठीक है। तुम्हें अगर कोई ऐसी बीमारी है, तुम्हें पुरुष डॉक्टर को ही दिखाना है, तब तुम्हें जेंडर स्पेसिफिक होना है। लेकिन एक बच्चे के लिए जब तुम चॉकलेट खरीद के ले जा रहे हो, एक बच्चे को तुम 11 रुपए का शगुन दे रहे हो, एक बच्चे को तुम गोद में खिला रहे हो, तो उसके जेंडर लड़का या लड़की होने का कोई मतलब है आपके लिए? नहीं है। उसके लड़की या लड़के होने का मतलब ही नहीं है जब आपके लिए, ऐसी चीजों में हम क्या कर देते हैं? इट का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में शेर आया और उसने मुझे दौड़ा लिया, ठीक है। अब आप पढ़ते ना कि बड़े जानवरों के लिए हम ही का यूज कर लेंगे, छोटे जानवर के लिए हम इट का यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुमको शेर ने दौड़ाया, अब वो नर थी कि मादा, तुम्हें इससे लेना देना है? तुम्हारी तो पैंट दोनों में गीली हो गई, बात समझिएगा, ठीक है। लेकिन तुम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले हो, कैमरा लेके सुबह देख रहे हो कि अब ये बच्चे का जन्म देने वाली है, शाम को पता चला ये तो आदमी था, शेरनी ने तो पीछे बच्चा जन्म दे दिया। अब आपको वहां पे, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये किताबों का वहम है, अब आप जेंडर स्पेसिफिक हैं, अब आप उस शेर के लिए ही लगाएंगे, और उस शेरनी ने जो अभी भी बच्चे को जन्म दिया, आप उसके लिए हर लगाओगे। लेकिन जब वही शेर आपको दौड़ा ले, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, नर है कि मादा, हमको तो चबाने आ रहा है, वो इट लगा दो। ये सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताएगा आप करना क्या चाहते हैं, ना कि ये कि वो बड़ा जानवर है, कान खजूरा तुम्हारे कान में घुस के इस वाले कान से निकल आया, नर है कि मादा, हमें क्या लेना देना, कान तो ले गया मेरे, कोई जरूरत नहीं है। समझे मैं समझाना क्या चाहता हूं? अब मुझे बताओ कौन सा लगेगा इसमें? चाइल्ड टोल्ड अ मैन दैट ही हैड टू हेल्प हिम या इट, यहां पे आपको कोई ग्राउंड नहीं पता चल रहा, ठीक है, दोनों सही हैं। आप हिम भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेंटेंस को, इट भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर ये पेपर में ऑप्शन में दोनों साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे पहले तो एक ना एक में कोई ना कोई गलती जरूर होगी, लेकिन अगर कोई गलती नहीं, दोनों सेम है, देन हम प्रोनाउन का प्रेफरेंस वाला चैप्टर याद करेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस मैस्कुलिन, देन इट, और तीसरा फिर फेमिनिन, तब हम हिम के साथ चले जाएंगे। अदरवाइज इट लगा है तो जबरदस्ती हिम करने की जरूरत नहीं, हिम लगा है तो जबरदस्ती इट करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसी बच्चे के लिए आपको कपड़े खरीदने के लिए जाना था, ठीक है, मम्मी कह रही है कि उनके बच्चे के लिए हमें कपड़े लेने हैं, तो तुम वहां पे पहुंच तो गए दुकान, फिर पूछ रहे मम्मी लड़की एक लड़का फ्रॉक लें कि जींस लें कि शर्ट लें, पूछ रहे हो ना, अब वहां पे वो बच्चा हर होगा हिज होगा। अदरवाइज आपको कपड़ा नहीं, आपको क्या खरीदना है? चॉकलेट खरीदनी है, वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रहा, फिर उससे कोई फर्क पड़ना है? अरे बच्चे को चॉकलेट देनी, लड़का है लड़की, हमें क्या लेना देना, अब वो आपके लिए क्या है? इट है। किसी के बच्चे के बर्थडे में आप खिलौने लेने आ, तो लड़कियां हैं तो गुड़िया टाइप का लो, लड़का हो तो बेटा जेसीबी लो, ठीक है ना, उपद्रवी टाइप का होता ही है वो बचपन से, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा लड़का है कि लड़की। लेकिन जहां तक आपको जरूरत नहीं है, उसको शगुन देना है 11 रुपए का, लड़का है कि लड़की, वो इट की तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है जानने की। शेर आपके पीछे पड़ा, आपको चबा गया, हमको जानने की जरूरत नहीं है कि वो मैस्कुलिन था कि फेमिनिन, वो शेर था, आप इट लगाइए। लेकिन फिर वही बात, आप नेशनल ज्योग्राफिक से बिलोंग है और आपको आज उसके बच्चे जन्म होते देखना, सुबह तुम शेर को निहार रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं चला, ठीक है, तो वो आपके लिए ही और हर का काम करेगा। तो ये सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताता है, इसको रटिए ना, ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी डिटेल में बताया था, और यहां पर भी इसमें दोनों सही है बच्चे, और तुम बच्चा नॉन लिविंग बीइंग नहीं होता, ये तुम्हें कौन पढ़ा के चला गया? हाँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है,
थोड़ा गलत बोले हो, उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने बाद जन्म दिया, कह रहे नॉन लिविंग बीइंग है, गजब आदमी हो भाई। क्या खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, टाइम बताना, 9 बज गया तो आगे नहीं बढ़ते हैं, बंद करते हैं आपका ये कंप्लीट। अब ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है, अब मैं कल आके एक आधा एग्जांपल और करा दूंगा, इसके बाद हम चलेंगे क्या इंटर, नहीं एक आधा नहीं, 2 एग्जांपल कराएंगे जिसमें अभी तक राम सेट टू ये वाला पर्सन लिखा हुआ दिख रहा था ना, अब इस पर्सन को गायब करते हैं राम सेड, तब हमें क्या करना है ये हम कल देखेंगे। बस 3